चलो तो पहले मैं इसको कान में लगा लूँ क्या? हाँ लगा, मतलब उल्टा 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 ऐसे ऐसे। अच्छा ऐसे ही जाएगा ना, है ना, ये ऐसे लगे तो ऐसे। तुम मेरी हार्ट बीट देखो। हाँ ठीक है, कुछ ऐसा करते हैं। तो बोलो, आज मैं एक डॉक्टर को इंस्पेक्ट कर रहा हूँ। ओके लंबी सांस लो। जी सर, और क्या करना है? हंसो नहीं, खांसना नहीं है, लंबा खांसो। देखो मुझे डॉक्टर बनना था, आज मैं डॉक्टर बन गया हूँ और मेरा पेशेंट भी डॉक्टर है। छोटा मोटा डॉक्टर नहीं हूँ मैं, डॉक्टरों का डॉक्टर हूँ। जी सर। ओके तो सर आप क्या कर रहे थे, आपको कुछ समझ में भी आया? नहीं, मुझे नहीं समझ में आया। मुझे ये पता है कि ऐसे टाइम भी देखना होता है कुछ की कितनी देर में कितनी हार्ट बीट चल रही है। डिपेंड करता है इसमें क्या होता है ना, जैसे आप ये स्टेथोस्कोप कहते हैं इसको, ठीक है? ये है स्टेथोस्कोप। स्टेथो का मतलब होता है चेस्ट, तो स्टेथोस्कोप की मदद से हम चेस्ट की आवाज़ें सुन सकते हैं। चेस्ट के अंदर है जैसे हमारा हार्ट या फिर हमारे लंग्स। वैसे स्टेथोस्कोप एक मेडिकल डिवाइस है जो ऑस्कल्टेशन के काम आता है। अब ये ऑस्कल्टेशन क्या होता है? ऑस्कल्टेशन मतलब हमारी बॉडी के जितने भी इंटरनल साउंड्स हैं उसको हम बाहर से ही सुन लें तो वो हो जाता है ऑस्कल्टेशन। तो किस तरह के साउंड्स हो सकते हैं? जैसे हमारा हार्ट जब बीट करता है तो उसकी कुछ आवाज़ आती है, या फिर जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में भी कुछ आवाज़ आती है। अगर हमारे हार्ट ने ब्लड को पंप किया है तो नीचे इन आर्टरीज वेंस में ब्लड फ्लो हो रहा है तो उसकी भी कुछ आवाज़ होगी, या हमारे इंटेस्टाइन में कुछ आवाज़ आ सकती है। पेट खराब है तो पेट में से भी गुड़गुड़ गुड़गुड़ वाली आवाज़ आती है, वो तो खैर आप बिना स्टेथोस्कोप के भी सुन सकते हो। या फिर आप कुछ और इक्विपमेंट का यूज़ करके स्टेथोस्कोप की मदद से ब्लड प्रेशर भी नाप सकते हो। इससे बेसिकली यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये ड्रम लगा हुआ है इसका, ठीक है? अब आप जैसे, तो क्या होता है जनरली कि जैसे सपोज मैंने इसे पहना, ठीक है, अब मैं क्या किया, मैंने इसको यहाँ पे लगाया और आपके हार्ट बीट पता चलता है। मतलब हमारे हार्ट के दो मेजर साउंड होते हैं, वैसे तो चार होते हैं बट दो, मैं बता, डुक 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 डुक, हाँ, लब और डब कहते हैं, ठीक है? तो वो दो साउंड होते हैं, तो हम बेसिकली उन दो साउंड्स को देखते हैं। अब उससे हमको बहुत चीज़ें पता चल जाती हैं, उन दो साउंड्स के बीच का इंटरवल कितना है उससे हमको कुछ पता चल जाता है। फिर हमको पता चल जाता है कि क्या उसमें से कोई एक साउंड मिस हो रहा है या उसका ड्यूरेशन थोड़ा आगे पीछे जा रहा है। तो वो डॉक्टर टाइम पास नहीं करते हैं, वो डॉक्टर स्टेथोस्कोप से आपका प्रॉपरली वो चीज़ देखते हैं, ठीक है? या किसी तरह के कंजेशन है वो आपको पता चल जाता है। एक बात बताओ, वो लुप डुप में अगर लुप नहीं हो रही है, सिर्फ डुप 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 हो रही है, तो क्या मैं मर नहीं जाऊँगा? हार्ट अटैक आएगा? हार्ट अटैक नहीं, हार्ट अटैक तब आएगा जब आपका ECG कराते हैं, ठीक है? तो ECG से आपका एक QRS कॉम्प्लेक्स होता है, वो ऊँचा हो जाता है, तो उसको MI हार्ट अटैक कहते हैं, माइकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। चलो इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, ठीक है हाँ। ओके, ये हुई बायोलॉजी, अब मैं आता हूँ फिजिक्स पे कि ये काम कैसे करता है। हाँ, मैं ये हमेशा से सोचता था कि यार ये क्या है आजकल, मतलब इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, कुछ बैटरी वैटरी डालो इसमें, ये कुछ बनाओ, डिजिटल करो, मोबाइल में हमें डिस्प्ले दिखे, ये काम कैसे करता है? तो एक्चुअली ये एक एयर ड्रम, मतलब ड्रम है। यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा भी इस तरीके से कुछ फोर्स लगाता हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा इसका बड़ा एरिया, और यहाँ पर इस तरीके से वो थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा तो इसमें प्रेशर कम ज़्यादा होता है। और यहाँ पर हमारा एक विंड के, हवा के लिए पाइप है, और ये पाइप सीधे जाता है हमारे कान के अंदर। तो यहाँ पर थोड़ा सा भी इस तरीके से होगा ना तो यहाँ पर वो पूरी की पूरी हवा बहुत ज़्यादा निकलती है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाइड साउंड सुनाई देता है। और इनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि आपके कान को अच्छी तरीके से ब्लॉक कर दे ताकि बाहर का साउंड आपको सुनाई ना दे, आप कॉन्सेंट्रेट कर पाए। Exactly. किसके दिल की धड़कने आप सुनना चाह रहे हैं, किसके दिल की धड़कने सुनना चाह रहे हो? हमारे नसीब में तो पेशेंट की है। ओके, तो मैं आप डॉक्टर नहीं बनना चाहता हूँ इसी के साथ। तो ये इस तरीके से मैं, मुझे लग रहा है ये माइक की तरह ही काम कर रहा है, मुझे मेरी आवाज बहुत ज्यादा तेज सुनाई दे रही है। या प्लीज, अभी हार्ट अटैक आ जाएगा, अभी के अभी हार्ट अटैक आ जाएगा। ये बहुत फन प्रैंक होता है। अच्छा, एक और फन फैक्ट, या आप बताना या बच्चे कमेंट करके बताएंगे, इसमें दो साइड दिया है, एक आगे भी दिया, एक पीछे भी दिया, इसका जवाब मैं नहीं बता रहा, ठीक है? आप इसको रोटेट करोगे, ट्राई करके देखो, रोटेट करोगे तो यहाँ से आपको आवाज आएगी, देखो। प्लीज, नहीं 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 करूंगा, वो नहीं करूंगा, ट्राई करके देखो, तो आपको यहाँ पे कुछ आ रहा है। ओ यस, और एक साइड इधर आ रहा है, अब इसका फिजिक्स समझा दो। अच्छा, अभी अभी ये काम नहीं कर रहा, काम नहीं कर अभी रहा। काम नहीं कर रहा, आप उसको रोटेट करोगे तो देन ये वाला काम, हां अब ये काम कर रहा है। एग्जैक्टली exactly. तो इसके पीछे का आप साइन समझा दो भाई, इसे नापते क्या है वो मुझे बता दो, फिर नहीं, ये बच्चे बताएंगे, ये मैं नहीं बता रहा, सारे काम मैं थोड़ी करूंगा। एज अ नॉन डॉक्टर मुझे जो चीज़ें यहाँ पे देख के पता चल रही है, पहली बात, अभी मैं इसे टच कर रहा हूँ तो मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है, जब मैं इसे घुमा दूंगा तो अब इस वाले से आवाज़ सुनाई देगी, इस वाले से आवाज़ नहीं सुनाई देगी, तो ये कुछ और आवाज़ हमें दे रहा है, उससे क्या नापते हैं वो ये लोग जाने, कैसे नापते हैं वो मैं समझा सकता हूँ। नहीं, बच्चे कमेंट करके बताएंगे भाई, अब सारे काम हम थोड़ी कर रहे हैं। चलो मैं ही बता देता हूँ, हमारे स्टेथोस्कोप में मेनली चार पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है ये जो है डायफ्राम, यहाँ पर देखो, और इसी के पीछे वाला जो पार्ट है उसे बोला जाता है बेल।
फिर हमारे पास ये ट्यूब है, इसके अंदर हवा होती है और उसी में हमारा साउंड ट्रैवल करता है, तो ये हमारी ट्यूबिंग हो गई। और ये जाते हैं हमारे कान में, तो इस तरीके से, और ये काफ़ी अंदर कान में घुसते हैं, तो इन्हें बोला जाता है ईयर टिप्स, ये ईयर टिप्स हैं। अब ये स्टेथोस्कोप काम कैसे करता है, देखो यहाँ पर ये डायफ्राम है और यहाँ पर अगर कोई भी थोड़ा सा भी मोशन होता है तो ये डायफ्राम इस तरीके से मूव करता है, और ये डायफ्राम का एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो थोड़ा सा भी मोशन होगा तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आगे पीछे हवा की होगी, और यहाँ पर इसका एरिया देखो काफ़ी पतला सा है, तो यहाँ पर जो भी मोशन होगा वो इधर काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाता है। हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है, A1V1 = A2V2, ये देखो यहाँ पर भी हमारे पास इस तरीके से एक ट्यूब है और यहाँ पर इसका एरिया काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है और इस वाली ट्यूब का एरिया काफ़ी कम है, तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा भी इसको नीचे करूँगा देखना तो हमारा लिक्विड काफ़ी ज़्यादा ऊपर आएगा, कुछ ऐसे ही हमारा एम्पलीफिकेशन हो जाता है इस स्टेथोस्कोप में। अब कई बार क्या होता है कि हमारी जो हाई पिच के साउंड्स होते हैं वो तो इसको डायफ्राम को अच्छी तरीके से वाइब्रेट कर पाते हैं, लेकिन कई लो पिच वाले साउंड्स होते हैं वो डायफ्राम को वाइब्रेट ही नहीं कर पाते। उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम इसे इस तरीके से घुमा देते हैं। अब हमारे ये बेल वाला पार्ट इस ट्यूब से कनेक्ट हो गया है, अब ये डायफ्राम इस ट्यूब में हवा नहीं भेज सकता। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर इस तरीके से अड़ा देते हैं। देखो यहाँ पर कोई डायफ्राम नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली एक छेद है, तो ये छेद तो हवा को पास करता है और ये खुद हमारी जो स्किन है जिस पर हम इसे टच करते हैं, हमारी स्किन खुद वहाँ पर डायफ्राम बन जाती है। तो अगर हमारे यहाँ पर इसे हाथ पे लगाया मान लो और हाथ पे थोड़ा सा भी वाइब्रेशन होगा तो वो हमारी हाथ की स्किन ही डायफ्राम की तरह काम करेगी। यहाँ पर देखो एक्सटर्नल डायफ्राम था, यहाँ पर कोई डायफ्राम नहीं है। तो इस तरीके से हम अलग अलग तरह के साउंड्स को पिक करने के लिए दोनों तरफ में से कौन सा यूज़ करना है वो डिसाइड करते हैं। यहाँ पर जो साउंड ट्रैवल होता है वो एक्चुअली हवा में ही ट्रैवल होता है। इसके अंदर देखो कुछ ट्यूब में कुछ है नहीं, खाली ट्यूब है। तो यहाँ पर जो साउंड ट्रैवल हो रहा है वो हवा में ही हो रहा है, इसीलिए इसे बोला जाता है अकूस्टिक स्टेथोस्कोप। लेकिन कई डिजिटल स्टेथोस्कोप भी होते हैं जहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से डायफ्राम होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कुछ सेंसर लगे होते हैं, वो सेंसर साउंड के सिग्नल्स को डिजिटल करंट में कन्वर्ट कर देते हैं, डिजिटल सिग्नल्स में, फिर वो सिग्नल्स जाते हैं और हम उन्हें सुन सकते हैं। यहाँ पर फिर से स्पीकर लगा होगा, तो अब ये देखो ये तो काफ़ी सिंपल सी मशीन थी, वहाँ पर बैटरी वैटरी लगानी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट्स हो जाएंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट्स आते हैं थोड़ा सा नॉइस ऐड हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसका उतना ज़्यादा कोई फ़ायदा होता नहीं है। इसीलिए ये अभी भी अकूस्टिक स्टेथोस्कोप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जबकि टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेथोस्कोप का यूज़ तब होता है जब हमें वायरलेसली साउंड किसी को भेजना हो, जैसे मान लो डॉक्टर किसी और कंट्री में बैठा और उसको इस तरीके से मान लो पता करना है किसी पेशेंट का, तो वहाँ पर वो या तो डॉक्टर किसी लोकल डॉक्टर को बोलेगा यार इसकी सुन के बताओ पल्स कितनी आ रही है, किस तरह की आवाज़ें आ रही है, जो भी चीज़ें उन्हें पूछें, या फिर वो खुद एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेथोस्कोप वहाँ पर लगाएंगे और वो दूसरे देश में बैठ कर भी उस साउंड को सुन पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेथोस्कोप भी होते हैं लेकिन उनका यूज़ काफ़ी कम होता है। कैसा लग रहा हूँ मैं डॉक्टर मतलब ओके। और एक इंटरेस्टिंग बात, हेल्दी ह्यूमंस की हार्ट बीट होती है 72 बीट्स पर मिनट, लगभग 72 बीट्स पर मिनट, यानी कि एक स्वस्थ इंसान का दिल एक मिनट में 70-72 बार धड़कता है। लेकिन जो एथलीट्स होते हैं उनका हार्ट जब वो रेस्ट कर रहे होते हैं उस वक्त 30-40 बीट्स पर मिनट, यानी 30-40 टाइम्स ही धड़कता है एक मिनट में। तो वो एथलीट है उसका तो मतलब वो हेल्दी है, उसका हार्ट तो अच्छे तरीके से धड़कना चाहिए। कम क्यों हो गया, जैसे ब्रैडीकार्डिया भी बोला जाता है आपकी हार्ट बीट कम हो गई एवरेज से, तो ऐसे क्यों होता है? बॉडी का मैकेनिज्म है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसको रखना है, ठीक है? तो अगर आपके टिश्यू में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पहुंच रहा है तो किसी और चीज़ की जरूरत नहीं है। तो एथलीट का हार्ट स्ट्रांग है तो ज़्यादा एक बार में ही ज़्यादा ब्लड पंप कर पाता है, तो उसको नंबर ऑफ हार्ट बीट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका कार्डियक आउटपुट अपने आप अच्छा हो जाता है। ओके, तो जो हमारे एथलीट्स होते हैं उनका हार्ट एक्चुअली स्ट्रांग होता है, वो एक बार में ही ज़्यादा वॉल्यूम पंप कर सकता है, तो उसे हर मिनट में 70 बार धड़कने की जरूरत नहीं है, वो 40 बार धड़क के ही अपना काम कर देता है, यानी इस हार्ट की एफिशिएंसी ज़्यादा है। और आप भी अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं कैसे, प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर के। तो प्लस सब्सक्रिप्शन से आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, आपको छोड़ते नहीं हो, काफ़ी सारे टेस्ट आप वहाँ पे ले पाते हो। और इसका एक जीता जाता एग्जांपल अभी हमारे साथ है, इन्होंने नीट की इतनी अच्छी प्रैक्टिस कराई है कि नीट 2020 में 90 में से 84 क्वेश्चन इनके टेस्ट में एज इट इज उठ के आ गए वहाँ पर। तो वहाँ पे जो लोगों ने सिर्फ आपकी टेस्ट सीरीज भी कर ली होगी ना, वो भी तो मुझे मैसेज वैसे ही निकल गए होंगे यार। रैंडम बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, बच्चे बोल रहे थे सर कहीं पेपर आपको पहले से तो पता नहीं था, तो ये लोग मुझे आपने मैंने भी बहुत कमेंट्स पढ़े, सब बोल रहे थे सर आपने तो नहीं बना दिया पेपर, और लोगों को शक ना हो इसलिए 6-7 क्वेश्चन इधर उधर के डाल दिए। नहीं नहीं 10,000 क्वेश्चन कराए थे मैंने प्रैक्टिस यार, तो उसमें से 84 तो ठीक है। हो गया यार, ये बोलना नहीं था।
बट ठीक है ना यार, पर चलो ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, ब्लूपर में डाल दो। एनीवे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रैक्टिस कितना ज्यादा करते हो। बिल्कुल। और भले ही बहुत सारे सवाल बन सकते हो किसी सिलेबस में, लेकिन जो एग्जाम्स में टेस्ट किया जाता है वो अक्सर कुछ सिलेक्टिव कॉन्सेप्ट्स ही होते हैं, उन्हीं पे बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो पिछले साल के क्वेश्चंस भी आप करोगे तो काफी अच्छा हो जाएगा। इसके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म, वहाँ पे आप आओ, सब्सक्रिप्शन लो और उससे आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट, सॉरी कोड से मिलता है। प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको मिलती है अनलिमिटेड एक्सेस, जिससे आप अपनी कन्वीनियंस पे अपने घर बैठ के अपनी पसंद के टीचर से पढ़ सकते हो, बहुत सारे मॉक टेस्ट दो, अपनी प्रैक्टिस करो और अपनी रैंक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इंप्रूव करो, अपनी पसंद के कॉलेज जाओ। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एक या दो साल का लेना, क्योंकि उसमें आपको मिलता है बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। और आप अगर डॉक्टर आनंद मनी सर का कोड यूज करोगे जो है आनंद, तो आपको मिलता है 10% डिस्काउंट, या फिर आप मेरा भी कोड यूज कर सकते हो क्रैश अप, ठीक है, उससे भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। ये मैटर नहीं करता आप किसका कोड यूज करते हो, आप अनअकैडमी के किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हो, कोई भी कोर्स में एनरोल कर सकते हो। और अभी अभी डॉक्टर आनंद मनी ने एक नीट 2021 के लिए कोर्स लॉन्च किया है, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हो। और वैसे ही क्रैशअप क्या है, जो मेरा कोड है, मेरा यूट्यूब चैनल जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी मैं कुछ एजुकेशनल वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो उसको भी प्लीज चेकआउट जरूर करना, सब्सक्राइब करना, और हेलो साइंस को सब्सक्राइब करना ही है भाई। हम लोग देखो यहाँ पे मतलब छुट्टी में भी आपके लिए काम कर रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब करना ही करना है। तो वर्क फ्रॉम होम सब लोग करते हैं, हम वर्क फ्रॉम हिमाचल प्रदेश कर रहे हैं। एंड हम तो प्लान कर रहे हैं कि, अच्छा बाय द वे फन फैक्ट गाइस, अगर आप पहली प्लस क्लास मेरी देखोगे तो पहली क्लास प्लस क्लास इसी साइट पे होने वाली है, तो दैट इज आल्सो अनदर फन फैक्ट, मतलब इन द हिल्स होगा पहला प्लस क्लास। हाँ, तो हम लोग पहाड़ों में हमेशा से आना चाहते थे, यहाँ पे इंटरनेट हमें नहीं मिलता था, तो इसलिए दिक्कत हो जाती थी, लाइव क्लास के लिए इंटरनेट जरूरी है, पर थैंकफुली यहाँ पे बहुत अच्छा मिल रहा है। एंड सर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, तो प्लीज एनरोल करो और मचाओ, और बायोलॉजी 101 को भी सब्सक्राइब करना है, हेलो साइंस को भी करना है, एंड क्रैचअप को भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट गाइस। कूल यार, बहुत सही, बढ़िया हो गया।